स्टूडेंट, अभी अभी आपने जो वीडियो देखा है उसमें आप देखा होगा कि वोल्केनो किस प्रकार से इरप्शन करता है, वोल्केनो क्या होता है, व्हाट इज़ वोल्केनो, हाउ इट इज़ हार्मफुल ऑफ इफेक्ट ऑफ वोल्केनो, वोल्केनो से साइड इफेक्ट क्या होते हैं, तो ये सब वोल्केनो आता है क्यों है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि वोल्केनो किस टाइप से कैसे होते हैं, कैसे वोल्केनो एक्टिव होते हैं, कैसे वोल्केनो इनएक्टिव होते हैं, कैसे वोल्केनो है जो अभी भी एग्जिस्ट ही है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें आपके माइंड में आती होगी कि आखिर वोल्केनो आते कहाँ से, क्यों आते हैं, क्या मतलब है, उनसे बेनिफिट भी क्या है। तो ये हम सारी चीज़ें आज वोल्केनो मोमेंट ऑफ अर्थ ये हम बेसिक इस चैप्टर में हम जानेंगे। तो वोल्केनो आखिरकार होता क्या, उससे पहले हम बेसिक जानते हैं मोमेंट ऑफ अर्थ। अब मोमेंट ऑफ अर्थ आपने कई बार देखो, हमने मोशन देखे थे तो वो मोमेंट ऑफ अर्थ कहाँ होते हैं, इन दिस स्पेस में होते हैं। तो वो स्पेस में क्या होता है, रिवोल्यूशन एंड रोटेशन होता है जिसके कारण हमारा सीजन और क्लाइमेट चेंज होता है। बट हम देखें आज इन दिस क्लास में मोमेंट ऑफ अर्थ जो क्या होते हैं, इंटरनली हो सकते हैं। लाइक फर्स्ट पढ़ते हैं, द सर्फेस ऑफ अर्थ इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, सम चेंज लाइक वॉल्केनिक इरप्शन और अर्थक्वेक आर कॉल्ड सडन मोमेंट। यानी अभी कभी लाइफ में क्या, अर्थ में क्या होता है, सडन चेंज होते हैं जो कि वॉल्केनिक से हो सकते हैं या फिर अर्थक्वेक के रीजन से हो सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सडन मोमेंट कहते हैं। और कुछ होते हैं द मोमेंट दैट ब्रिंग अबाउट वेस्ट चेंज दैट इज कॉल्ड टेक्टोनिक मोमेंट। यानी कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं जो इंटरनल होते हैं बट उसके काफ़ी ज़्यादा मोमेंट हमें काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद देखने मिलते हैं, लाइक दैट टेक्टोनिक मोमेंट। यानी अर्थ में हमें बेसिकली पता है कि अर्थ के जो नीचे की क्रस्ट के नीचे वाली लेयर है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स की टेक्टोनिक प्लेटों से कवर्ड होती है। तो उनके माध्यम से हम जानेंगे कि मोमेंट ऑफ अर्थ वो भी क्या होते हैं। अब मोमेंट ऑफ अर्थ टू टाइप्स के होते हैं, हॉरिजेंटल हो सकता है या फिर वर्टिकली हो सकता है। अब इनको देखें कि हॉरिजेंटली वर्टिकल होते क्या हैं, फर्स्ट देखते हैं हॉरिजेंटल। अब हॉरिजेंटल मोमेंट कहाँ पर होते हैं, बेसिकली अर्थ के क्रस्ट वाले पार्ट, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अर्थ क्रस्ट मेंटल और कोर, अर्थ के क्या होते हैं, थ्री पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट अर्थ क्रस्ट है, तो अर्थ क्रस्ट क्या होती है, टेक्स प्लेस फ्रॉम कंप्रेशन एंड टेंशन फोर्स। यानी अर्थ पर क्या होती है, दो कंप्रेशन फोर्स लगता है जिसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट आता है टेंशन। अब टेंशन जो हम लेते वो नहीं आता, किंतु ये टेंशन अर्थ की स्ट्रक्चर में होती है। तो लाइक स्ट्रेस टेंडिंग टू पुल रॉक मासेज पार्ट, यानी स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि उन जो रॉक मासेज होता है उनको क्या करता है, पुल करने का काम करता है। और उनके अकॉर्डिंग कंप्रेशन बढ़ता है तो स्ट्रेस टेंडिंग टू स्कीज रॉक मासेज टूगेदर, यानी कि जो टेंशन होगी उसके अकॉर्डिंग कंप्रेशन बढ़ेगा तो रॉक्स क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा मासेज एक साथ ही आगे ऊपर उठना शुरू करती। तो रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन, यानी जो कंप्रेशन और टेंशन वाला जो इफेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप की फोल्ड माउंटेन हमें देखने को आज भी मिलती है। तो एज ए रिजल्ट कंप्रेशन फोर्स एक्टिंग इन टू अपोजिट डायरेक्शन द क्रस्ट रॉक बेंड एंड फॉर्म ए सीरीज ऑफ ए आर्च और ए ट्रॉथ। यानी कि डिफरेंट टाइप्स जब लेयर बन जाए, जैसे आप लोगों ने समुद्र में देखा होगा कि पानी की लहर बनती है, पानी वेव्स बनती है, लाइक दैट हवा आती है उसके अकॉर्डिंग वेव्स बनने का काम करती है। तो उसी के साइड इफेक्ट्स हम देखते हैं कि जो फोल्डेड माउंटेन है वो भी हमें कंप्रेशन ऑफ अर्थ के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलते हैं। दिस इज नॉन एज फोल्डिंग ऑफ क्रस्टल रॉक दैट यूजली अकर इन ए जोन वेयर द क्रस्ट इज वीक, और ये उस जगह होता है जहाँ क्रस्ट की अपर लेयर क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा वीक होती है। द लाइन्स ऑफ फ्रैक्चर आर नॉन एज फॉल्ट, तो बट बहुत प्रेशर आर रिजल्ट इन ए माउंटेन बिल्डिंग। तो जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है वो मेन रीजन क्या हुआ इसका, माउंटेन बिल्डिंग करने का काम करें। माउंटेन जो आज हम देखते हैं, हिमालय माउंटेन या आल्पस माउंटेन या अरावली माउंटेन, विंध्याचल माउंटेन या डिफरेंट टाइप्स की ऑल ओवर वर्ल्ड की माउंटेन है, वो कैसे जनरेट होती है, तो वो होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। यानी अर्थ की क्रस्ट की जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा वो क्या होता है, उससे माउंटेन का अगर होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं वर्टिकली प्लेट मोमेंट। अब प्लेट मोशन आप देख सकते हैं मैप में बताया हुआ है कि प्लेट मोमेंट या तो क्या हो सकता है, थिकर पार्ट ऑफ द क्रस्ट राइज अंटिल द इक्वल द थिकनेस ऑफ मैनुअल बिलो, दिस इज कॉल्ड आइसोटेंसी। यानी एक बेसिक, यानी या तो थिक पार्ट ऊपर आएगा या थिक पार्ट कहाँ जाएगा, बिलो या एबो होगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बताएं, सब्सिडेंस एंड अपलिफ्ट, ये दो पॉइंट आते हैं वर्टिकली मूवमेंट के अकॉर्डिंग। तो सब्सिडेंस डाउनवर्ड वर्टिकल मोशन ऑफ अर्थ क्या होता है, वो क्या लगता है, सब्सिडेंस। यानी कि हैवी ग्लेशियर डेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, तो आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो हमारे क्या कहलाता है, सब्सिडेंस। काफ़ी ज़्यादा वो डेप्थ जाते हैं जिसके अकॉर्डिंग अर्थ की स्ट्रक्चर टेक्टोनिक प्लेट से मूवमेंट करती है। फिर सेकंड पॉइंट है अपलिफ्ट, यानी अपवर्ड वर्टिकल मोशन ऑफ अर्थ। यानी कि अर्थ क्या होती है, झिकझक होगी, यानी या तो डाउन जाएगी या फिर अप जाएगी, तो इसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, वर्टिकली मूवमेंट। ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा तो हम माउंटेन आज के
मैप में हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट से क्या बनते हैं माउंटेन, और वर्टिकल मूवमेंट से क्या होगा, ग्लेशियर या लैंडस्केप भी काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं मूवमेंट होते हैं, यानी ग्लेशियर मेल्टिंग हो सकती है या हैवी ग्लेशियर काफ़ी ज़्यादा अर्थ की क्रस्ट तक डेप्थ तक भी जा सकते थे। ये हमारे पास वर्टिकल मूवमेंट हमने स्टडी किया। अब बात करते हैं बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म। अब लैंड फॉर्म में इवोल्यूशन क्या क्या होता है, किसके अकॉर्डिंग, आज हम देखते हैं कि ऐसे कौन से फोर्सेज हैं जो क्या बताते हैं कि अर्थ में इवोल्यूशन हुआ। तो अर्थ मूवमेंट फर्स्ट पढ़ते हैं एंडोजेनिक फोर्स, दूसरा सेकेंड होता है एक्सोजेनिक फोर्स। यानी एंडोजेनिक फोर्स क्या होते हैं, द फोर्स दैट एक्ट इनसाइड द अर्थ, यानी ऐसे फोर्स जो अर्थ के इनसाइड होते हैं जो हमें फील नहीं होते हैं बट अर्थ की स्ट्रक्चर को क्या करते चेंज करते हैं, जो टू टाइप्स के होते हैं सडन फोर्स और डेटास्ट्रोपिक फोर्स। यानी सडन फोर्स वो होते हैं जो कि अर्थ को एक वॉल्केन और लैंडस्लाइड में हेल्प करते हैं, और डिजास्ट्रोपिक फोर्स होते हैं जो कि नीचे हम पढ़ते हैं कि डिजास्ट्रोपिक फोर्स रेफर टू फोर्स जनरेट बाय द मूवमेंट ऑफ सॉलिड मटेरियल ऑफ अर्थ क्रस्ट, ऑल द प्रोसेस द मूव एलिवेटेड बिल्ड पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट कम अंडर डिजास्ट्रोपिक। यानी बिल्ड माउंटेन जो मैंने पिछली पढ़ा था कि जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होते हैं और वो भी क्या होते हैं इंटरनली फोर्स होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं डिजास्ट्रोफिक फोर्स कहते हैं। तो आपको आगे समझ में, डिजास्ट्रोफिक फोर्स मीन्स जिससे माउंटेन बिल्डिंग बनना माउंटेन बुल्ड होना शुरू करती है वो डिजास्ट्रोफिक फोर्स होता है, वो भी इंटरनली होता है, और सडन फोर्स जिससे हम अर्थक्वेक वॉल्केनो या लैंड फॉर्म देखते हैं वो बेसिकली क्या होता है सडन फोर्स। अब दूसरा आता है एक्सोजेनिक फोर्स, मीन्स द फोर्स दैट एक्ट फ्रॉम आउटसाइड द अर्थ। लाइक दर आपने रिवर देखी होगी वाइंड फ्लो करती है, सी वेव्स होती है, ग्लेशियर होते हैं, ये सब किससे काम किससे हेल्प करते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स होती है। बेसिक समझ में आ गया, अर्थ मूवमेंट टू टाइप्स की होती है, एंडोजेनिक जो अर्थ के इंटरनल है जिसे हम केवल फील कर सकते हैं लाइक वॉल्केनो अर्थक्वेक, और एक्सोजेनिक फोर्स जिसे हम रिवर वाइंड ये देखते हैं कि वाइंड कभी नॉर्थ टू ईस्ट चलती है, ईस्ट टू साउथ चलती है, ये बेसिकली जो वाइंड का जो फ्लो होता है वो क्या होता है एक्सोजेनिक फोर्स होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म में कितने टाइप के फोर्स जनरेट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपने हम मेन टॉपिक आते हैं वॉल्केनो। अब वॉल्केनो आपके सामने कई क्वेश्चन राइज करता है कि वॉल्केनो आखिरकार है क्या, कहाँ से आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, बहुत सारा आपके माइंड में क्वेश्चन ये होते हैं। बट हम वॉल्केनो को स्टडी करें तो वॉल्केनो इज एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच लावा वॉल्केनिक एस एंड गैसेज एस्केप। यानी वॉल्केनिक अर्थ क्रस्ट का ऐसा ओपनिंग पार्ट है, लाइक अगर हम आपने कई बार कोल्ड ड्रिंक की बॉटल यूज़ की होगी, आप उसे जब ड्रिंक करते हैं उसका जब कैप ओपन करते हैं तो आपको उसमें से बहुत ज़्यादा जब उसे मूवमेंट करके आप कैप ओपन करते हैं अचानक सारी सारी कोल्ड ड्रिंक आपकी क्या होती है बोतल से बाहर आती है, तो उसका जो क्रश पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है लावा होता है, और उसके साथ साथ क्या आती है वॉल्केनिक एस। यानी कि वापस वॉल्केनिक स्टडी करें तो हम लाइक एज्यूम कर सकते हैं लाइक ए कोल्ड ड्रिंक बॉटल जज कर सकते हैं, जब जिसका कैप ओपन होगा तो अंदर से सारा लिक्विड क्या अचानक ही सडनली बाहर आता है, लाइक दैट वॉल्केनो भी होता है। जब वॉल्केनो के इंटरनल स्ट्रक्चर की जो सारी टेक्टोनिक प्लेट है मूवमेंट करते रहती है, तो उसके अगर जब उसमें अचानक इम्बैलेंस होता है तो उससे जनरेट क्या होता है जो लिक्विड फॉर्म में लावा होता है वॉल्केनिक गैस और गैसेज उससे क्या होती है काफ़ी ज़्यादा आउटसाइड आती है, वही क्या कहलाता है वॉल्केनो। अब वॉल्केनिक इरप्शन आर पार्टली ड्राइवन बाय प्रेशर फ्रॉम डिजोल्व गैस मच एज एस्केपिंग गैसेज फोर्स द कॉर्क आउट ऑफ बॉटल ऑफ ए कैंपेन। तो सिंपल वो एग्जाम्पल दिया, जब बहुत सारे गैसेज एक साथ मिक्स हो जाते हैं उनको बाहर आने के लिए क्या होता है कोई इनको एक वे चाहिए होता है ताकि वो वहाँ से क्या हो सकता है इरप्ट हो सके। तो सेम लाइक दर ये स्ट्रक्चर क्या होती है वॉल्केनो। इसका एक 3D शार्क डायग्राम हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे जो हम बता देगा कि वॉल्केनो इरप्शन किस टाइप से होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वॉल्केनो इरप्शन लाइक ए कॉर्क आउट ऑफ बॉटल ऑफ कैंपेन होता है। तो वॉल्केनो इरप्शन हैपन टू इंटरनल प्रेशर विच पुशेज द मोल्टन मटेरियल इनसाइड द अर्थ कॉल्ड मैग्मा। और जो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर लिक्विड फॉर्म में होता है मोल्टन मटेरियल होता है वो क्या कहलाता है मैग्मा, और यही दिस लावा प्लेट्स आर रिच इन मिनरल्स एंड मेक द सॉइल्स फर्टाइल। और जो लावा प्लेट्स होती है वो क्या होती है लैक्स ऑफ मिनरल्स एंड रिच से रिच इन मिनरल होती है, और वो सॉइल भी क्या होती है फर्टाइल। जस्ट लाइक दैट इन इंडिया देखें तो जो डेक्कन प्लेटू है वो क्या है लावा से बना हुआ प्लेटू है और वो उसकी सॉइल काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, तो ये वॉल्केनो के इफेक्ट भी होते हैं। अब पढ़ते हैं वॉल्केनो की स्लाइड जिसमें हम देखते हैं, आप डायग्राम देख रहा होगा आपको समझ आ रहा होगा, जिसमें एक क्रेटर है सबसे ऊपर वाला पार्ट वॉल्केनो एक ऐसी एस क्लाउड है जो बिल्कुल क्या होता है एस से यानी धुएं से बना होता है, उसके जस्ट ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है वेंट, और वेंट कहाँ से स्टार्ट होता है क्रेटर जिसे हम कहते हैं बाउल शेप समझ सकते हैं, और आपको देख सकते हैं इसमें कि रॉक लेयर सबसे लास्ट बिलो में होता है मैग्मा चैम्बर लेयर्स ऑफ लावा एस ब्रांच पाइप और कॉन्डल पाइप लावा फ्लो ये स्लाइड वेंट सारे सारे इसमें डायग्राम बना के बता दिए कि जो अर्थ वॉल्केनो का
एक क्या कहते हैं कटलेट देखें तो उसमें आप समझ सकते हैं कि वॉल्केनो किस प्रकार से इरप्शन होता होगा। अब इनके कीवर्ड को समझें तो सबसे फर्स्ट आता है मैग्मा चैम्बर। अब मैग्मा चैम्बर किसी भी वॉल्केनो पॉइंट का सबसे डीपेस्ट पॉइंट होता है, जो क्या होता है लार्ज अंडरग्राउंड पूल ऑफ मोल्टन रॉक बिलो द अर्थ, यानी अर्थ के सबसे डीपेस्ट पॉइंट हो सकता है, जिसमें क्या क्या होता है मैग्मा होता है, जो क्या होता है मोल्टन रॉक, यानी कि वहाँ पर रॉक भी क्या होती है बिल्कुल मॉल्टन स्टेज में होती है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर होता है सेकंड पार्ट वेंट, जो कि सबसे ओपनिंग पार्ट कहलाता है, ओपनिंग और सॉफ्ट थ्रो विच द मैग्मा कम्स आउट फ्रॉम द वॉल्केनो टू सरफेस। और ये वेंट ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो वॉल्केनो को मैग्मा को आउटसाइड आने के लिए क्या करती है, हेल्प करती है, सबसे ओपन वाला माउथ कह सकता हूँ उसे। फिर आता है क्रेटर, तो बाउल शेप डिप्रेस्ड एट द माउथ ऑफ द वॉल्केनो। जब वेंट वाला जो फेस बना था उसे हम क्या कहते हैं क्रेटर, जिसमें बाउल मान सकते हैं कि अंदर उसमें छेद किया हुआ है और छेद के हॉल हो सकता है, हॉल के माध्यम से जो मैग्मा होता है वो क्या करता है इंटरनल फोर्स से ऊपर एग्जिट होता है, तो बाउल के माध्यम से वो क्या करता है एज लाइक साइड में वो डिप्रेस स्प्रेड होता है। ठीक है, फिर आता है लावा फ्लो। अब लावा फ्लो मास ऑफ फ्लोइंग और ए मोल्टन लावा, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लावा मेल्टिंग होगा तो लावा बाहर क्या करता रहेगा राइट लेफ्ट, जहाँ उसको वे मिल जाएगा वहाँ से वो फ्लो करते हुए आगे की तरफ मूव करेगा। यही हमारे पास वॉल्केनो के मेन स्ट्रक्चर थे। अब वॉल्केनो हमने रीजन देख लिया, वॉल्केनो आता कैसे, वॉल्केनो की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके आगे हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हम समझ सकते हैं कि अब वापस पढ़ते टाइप्स ऑफ वॉल्केनो। अब वॉल्केनो टाइप्स देखें ये किसके अकॉर्डिंग है, बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड शेप, यानी वॉल्केनो की शेप कैसी होती है, तो आप देख सकते हैं तीन डायग्राम बने हुए हैं, जिसमें फर्स्ट शेप है एज लाइक शील्ड, जिसमें शील्ड बनी हुई है, जिसमें केवल हल्का सा हॉल बना है, जिसमें लिक्विड फॉर्म में बना हुआ है, जिसमें लावा क्या होता है मेल्टिंग होता है और साथ साथ ओनली एस एस में ज़्यादा स्प्रेड होता है। तो फर्स्ट फॉर्म पढ़ते हैं शील्ड, तो फ्रॉम ऑन हॉट स्पॉट ब्रॉड बेस स्मॉल इंक्लिन, यानी स्मॉल इंक्लिन तक काफ़ी छोटा हॉल होता है, ताकि उसमें सीधे केवल और केवल सीधे डायरेक्टली बाहर ही आता है। सो दैट इनॉमरस हाइट इंक्लूडिंग बेस बिलो सी लेवल और थिन लावा मेक्स इट द लिस्ट एक्सप्लोसिव एग्जाम्पल मोनालोवा इन हवाई द्वीप, यानी हवाई आइसलैंड है वहाँ पर मोनालोवा जो वॉल्केनो है वो किस टाइप का है, शील्ड। आपने शील्ड देखी होगी कई बार कि शील्ड हमारी क्या होती है प्रोटेक्टिंग वॉल करती है, तो उसी टाइप का क्या बना होता है ये वॉल्केनो बना होता है, इसलिए हम इसे शील्ड टाइप कहते हैं। सेकेंड आता है सिंडर, जिसे हम कहते हैं कौन से होता है माउंट ऑफ एस, तो स्मॉलेस्ट है फॉर्म ऑन साइड ऑफ अदर वॉल्केनो, जिसकी साइड में वॉल बनी रहती है और फॉर्म इन ग्रुप्स, ये हर जगह पाया जाता है पर ग्रुप्स में होते हैं, एग्जाम्पल कैपलिन इन न्यू मैक्सिको, माउंट पैरिटिन इन मैक्सिको, ये सारे आपके इसके क्या देख सकते हैं एग्जाम्पल देख सकते हैं। फिर थर्ड आता है कंपोजिट, जिसे हम कहते हैं स्टेट ऑफ वॉल्केनो, बिल्कुल क्या होता है स्टेट होता है और ये अलग अलग, यानी इसमें मैनी हॉल्स आपके पास में हो सकते हैं, यानी कि इसमें 2200 में क्रेटर एक था, बट इस कंपोजिट वॉल के अंदर क्या होता है डिफरेंट टाइप्स के क्रेटर भी हो सकते हैं, जहाँ उसको हॉल मिल गया वहाँ से उसके पास एक नया क्रेटर ओपन हो जाता है। तो क्रेटर लहर मडलिस लैंडस्लाइड होती है फॉर्म मैनी लेयर ऑफ लावा, यानी इसमें जहाँ से हॉल मिल जाएगा वहाँ से वो क्या हो सकता है लावा बाहर इरप हो सकता है। मे रिमेंट डोमिनेंट फॉर लॉन्ग पीरियड बिटवीन इरप्शन, थिक लावा मेक इट मोस्ट एक्सप्लोसिव, यानी इसमें जो लावा होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता है थिक होता है, इसलिए उसको क्या बनाता है काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोसिव बनाता है, जिसके एग्जाम्पल है माउंट स्टे हेलेंस वॉशिंगटन एंड माउंट वेसुवियस इन इटली। थी बेसिक टाइप्स ऑफ वॉल्केनो होते जो सिल्ट सेंडर एंड कंपोजिट टाइप के हमने ये स्टडी किए थे। ये भी हमारे क्या होती है नॉलेज के लिए जरूरी होता है कि वॉल्केनो के किस टाइप के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। अब वापस एक और टाइप पढ़ते हैं वॉल्केनो के, जो हम पढ़ते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी, यानी कि वो कितने एक्टिव हैं कितने एक्टिव नहीं होंगे, ये बेसिक चीज़ें हैं, तो वापस हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्केनो डिपेंडिंग अपॉन द फ्रिक्वेंसी ऑफ इरप्शन, तो अब वापस इसके हमारे पास होते हैं थ्री टाइप में, एक्टिव वॉल्केनो, इनएक्टिव वॉल्केनो एंड एग्जिट वॉल्केनो। अब एक्टिव वॉल्केनो हम स्टडी करें तो एक्टिव वॉल्केनो वो होते हैं जो इरप्टेड विद द हिस्टोरिकल टाइम्स अप्रॉक्सीमेटली लाइक 600 ईयर एगो, तो अकाउंट ऑफ दिस इरप्शन वर डॉक्यूमेंटेड बाई मैन और इरप्टेड विद इन द लास्ट 10,000 ईयर बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ डाटा, यानी एक्टिव वॉल्केनो वो जो लास्ट 10,000 ईयर में एक्टिवेट रहे और लास्ट 600 ईयर की हमने क्या कि इनकी स्टडी की है और इनके बारे में बेसिक सब कुछ जानते हैं, जो कि वॉल्केनो के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। जिसके बेस्ट एग्जाम्पल माउंट कोटोप्सी इक्वाडोर में है, माउंट एटना जो इटली में है, माउंट फ्यूजियामा जो जापान में है और माउंट स्ट्रामबोली जो इटली में है, और स्ट्रामबोली को हम कहते हैं लाइट लाइट हाउस ऑफ द एटलांटिक ओशन, क्योंकि इटली वहीं पर ही है और ये स्पेशली एटलांटिक ओशन में, इसलिए स्ट्रामबोली को हम क्या स्टडी करते हैं लाइट हाउस ऑफ द, क्योंकि वहाँ से ऑलवेज लाइट होती बनी रहती है, क्योंकि वॉल्केनो जब इरप्ट होता है तो वहाँ से क्या होती है फायरिंग होती है, तो इसलिए उसे क्या कहते हैं लाइट हाउस ऑफ द एटलांटिक ओशियन। फिर
फिर सेकंड आता है इनएक्टिव वॉल्केनोज, इसमें हम स्टडी करते हैं जिसके हमारे पास नो रिकॉर्ड ऑफ इरप्शन, जिसके हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, फिजिकल फॉर्म बनी हुई है, इज बींग चेंज बाई एजेंट और वेदरिंग एंड इरोजन थ्रू फॉर्मेशन ऑफ डीप एंड लॉन्ग गिल्ट्स। यानी बहुत लॉन्ग टाइम स्टडी के अंदर पता चलता है इसमें कभी एक्सटेंशन टाइम में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, बट अभी हमारे पास इसका कोई एविडेंस देखने को नहीं मिलते, जिसका एग्जाम्पल है माउंट विसुवियस इटली और माउंट किया जो हवाई में है। फिर थर्ड आता है एग्जेंट वॉल्केनो, यानी ऐसे वॉल्केनो जो बिल्कुल ही निष्क्रिय, भविष्य में ना तो पास्ट हिस्ट्री में हम उसके एविडेंस देखने को मिले, ना फ्यूचर भविष्य में हमें देखने को मिलेंगे, हम ये कभी एक्टिव भी हो सकते, उनको हम क्या कहते हैं एग्जेंट, जो मतलब कभी भी ऑलवेज क्या रहेंगे इनएक्टिव, और बट भविष्य में फ्यूचर में भी वो कभी भी आगे एक्शन में नहीं आ सकते। तो वन दैट विल नेवर हैव एन इरप्शन नॉट नेसेसरीली डेफिनेट एज सम हैव गॉन थ्रू व्हाट इज कॉल्ड रिजर्वेशन, और इसमें क्या कहते हैं एग्जेंट वॉल्केनो कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में है और माउंट एल्ब्रुस जो रशिया में है। ये बेसिक बेसिक फिनोमेना हमने सारे वॉल्केनो स्टडी हमने कर दी कि कैसे एक्टिव वॉल्केनो हो सकते हैं, कैसे इनएक्टिव वॉल्केनो हो सकते हैं, कैसे वॉल्केनो इरप्ट कर सकते हैं, और कैसे वॉल्केनो किस टाइप में। अब सबसे ज़्यादा अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा एक पेरू में जो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की कंट्री है, जहाँ पर काफ़ी लॉन्ग समय पहले ऐसा आया था वॉल्केनो जहाँ से उसकी पूरी पूरी आबादी को पॉपुलेशन क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो ऐसे एविडेंस हमें आज भी देखने को मिलते हैं जो वॉल्केनो इरप्शन हुए थे, बट उसके आज भी प्रेजेंट एविडेंस मिलते हैं कि वो पूरी पूरी सिटी ही क्या हुई थी, वॉल्केनो इरप्शन से फिनिश हो चुकी थी। तो ऐसे एविडेंस हमें, इसलिए वॉल्केनो क्या होता है, जब वॉल्केनो ऐसा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है तो आसपास के एटमोसफेयर में ज़्यादा स्प्रेड होता है, जिसके कारण वहाँ पे एरोप्लेन जो फ्लाई करते हैं वो वहाँ पर फ्लाई नहीं कर पाते, और वहाँ पर नो फ्लाई जोन अनाउंस करना पड़ता है वहाँ के लोकल गवर्नमेंट को, ताकि वहाँ पर किसी प्रकार की ट्रेजडी ना हो सके। इस प्रकार से लिए वॉल्केनो हमारे लिए हार्मफुल भी है, बट अब उसके हम बेनिफिट देखें तो लाइक दैट जहाँ वॉल्केनो इरप्शन होते हैं वहाँ पर डिफरेंट टाइप के कॉस्टली मिनरल्स भी इजिली क्या होते हैं, फाइंड आउट होते हैं, क्योंकि मिनरल्स हमें पता है अर्थ की सर्फेस के डेप्थ में पाए जाते हैं, और वॉल्केनो का जो मैग्मा स्ट्रक्चर है वो हम कहाँ से फाइंड आउट होता है, अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर से फाइंड आउट होता है, जो वहाँ से मैग्मा लावा फॉर्म में आउटसाइड आता है, जो क्या होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, जब वो लॉन्ग टाइम में सर्व होने के बाद जो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो हम सॉलिड फॉर्म में एज ए लेयर की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं, और उसको फिर फिल्टरेशन करके उसमें डिफरेंट आगे मिनरल्स क्या करते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं, और जो लावा से जनरल होने वाली सॉइल होती है वो सॉइल क्या होती है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, उसको हम इजीली अपने किसी भी क्रॉप के लिए क्या कर सकते हैं, ग्रो करने के लिए हेल्पफुल कर सकते हैं। लाइक दैट अगर ब्लैक सॉइल है तो उसे कॉटन क्रॉप सबसे ज़्यादा क्या होती है ग्रो करती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल इंडिया है। इंडिया में जो पेनिनसुलर डेक्कन प्लेटू कहते हैं उसे, जो स्पेशली महाराष्ट्र आंध्रा कर्नाटका में स्प्रेड किया हुआ है, तो मोस्टली महाराष्ट्र में और गुजरात के नॉर्थन पार्ट देखें तो वहाँ पर लावा प्लेटू के एग्जाम्पल होने के कारण वहाँ पर ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल के कारण वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्या होती है कॉटन क्रॉप होती है। तो ये बेसिक हमने इस क्लास में और इस वीडियो में वॉल्केनो के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में, तो इसलिए साथ जुड़े रहिए, और लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।